गाड़ी ये अंदर तो यहाँ पे घुसा दी थी घर के, और ये अब बाहर निकालनी पड़ेगी मुझे। और ये मैंने यहाँ थोड़ी सी ट्रिक लगा के अंदर घुसाई थी, मैंने ऐसे करके एक टायर पहले ऊपर चढ़ाया इस गाड़ी का और दूसरा यहाँ से चढ़ गया, और ये गाड़ी 4x4 है तो ईजिली निकल जाएगी यहाँ से। बस अब निकल गई। इस गाड़ी की ना ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो ईजिली निकल जाती है, उसके टायर भी काफ़ी ज़्यादा ऊँचे हैं। तो वेलकम है फार्मिंग सिमुलेटर की एक और नई वीडियो में, और इस जगह पे ये दूसरा दिन है। पहले दिन तो मैंने पूरा सारा जगह का टूर दिया था, और आज दूसरा दिन है तो जितने भी खेत हैं वो देखने हैं, उनमें क्या अभी फसल लगी हुई है, और उस फसल को फिर देखना है कि क्या करना है। हार्वेस्ट के लिए अगर रेडी है तो हार्वेस्ट कर लेंगे, और अगर हार्वेस्ट के लिए रेडी नहीं है तो छोड़ देंगे, और बाकी जो खेत खाली पड़े हुए हैं जिनमें घास वगैरह लगी हुई है उनमें जो है घास को काट के साफ़ कर लेंगे। और ये जो शीप के यहाँ पे बान है, काओ बान है, हॉर्स बान है, इनके लिए सारे एनिमल परचेज करने हैं, मतलब काओ भी, शीप भी, पिग भी, हॉर्स भी परचेज करने हैं। अभी फिलहाल तो पहले वाले खेत पे चल लेते हैं और वहाँ वीट लगा हुआ है, वीट को हार्वेस्ट पे लगा देता हूँ, उसके बाद शीप और काओ वगैरह परचेज कर लेते हैं। क्योंकि इस वाले फार्म में वो खेत मिला है, व्हीकल्स मिले हैं, उनकी पार्किंग की जगह मिली है, साइलो वगैरह सब कुछ मिल गया, बस एनिमल्स नहीं मिले, तो एनिमल्स मुझे खुद परचेज करने पड़ेंगे। और अभी इस वाले खेत में यहाँ पे वीट लगी हुई है, एक बार देख भी लेता हूँ। वैसे तो ये रेडी टू हार्वेस्ट आ रहा है, हाँ रेडी टू हार्वेस्ट है, इसमें तो हार्वेस्टर लगा देता हूँ मैं। और इधर वाले में, इधर वाले तो घास लगी हुई खाली, तो ये वाली घास काम आ जाएगी अपने काउस के, इसे काट के जो है काउस को डाल दूंगा। तो अभी पहले तो मैं हार्वेस्टर ले लूँ, हार्वेस्टर मेरे को देखना पड़ेगा। वैसे तो हार्वेस्टर यहीं पे खड़ा हुआ है, इस गाड़ी को यहीं बाहर पार्क कर देते हैं। और हार्वेस्टर मैंने यहाँ पे शायद अंदर देखा था, इसमें तो नहीं था, इसमें तो एक घास काटने की अटैचमेंट पड़ी हुई है, और इसमें भी नहीं है। तो हार्वेस्टर दूसरे वाले गैराज में था, वहाँ से लेके आना पड़ेगा। गाड़ी को रिवर्स कर लूँ इसको ना, वो सामने है या दूर नहीं है, और उसके पास भी एक खेत है, उस खेत में भी शायद वीट लगा हुआ है, तो पहले वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये वाला वो गैराज है, पहले इसका गेट खोलूँ, तो उस वाली गाड़ी को अंदर ही पार्क कर दूँगा, क्योंकि ये वाली गाड़ी अभी थोड़ी देर पार्क रहेगी, कि मेरे को काम करना है और बाकी चीज़ें देखनी है, तो इसको अंदर ही पार्क कर देते हैं। यहाँ रोड पर क्यों छोड़ना, इसको यहाँ अंदर की साइड में लगा देते हैं। और इस वाले खेत में भी वैसे वीट ही लगा हुआ है, हार्वेस्टर यहाँ पे था इधर वाली पार्किंग में, तो ये सामने वीट है ही और इधर हार्वेस्टर है, इसी वाले खेत में लगा देते हैं। हाँ ये ठीक है, यहाँ राइट टू हार्वेस्ट है वाला भी, इस वाले में था हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर तो ये रहा, इसकी अटैचमेंट कहाँ पे है, एक मिनट पहले इससे बाहर तो निकाल लूँ, अटैचमेंट भी बाहर पड़ी हुएगी इसकी। अभी तो ये यहाँ से, वैसे जगह काफ़ी बड़ी है, गेट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, निकल जाएगा यहाँ से इजली। ठीक है ये तो निकल गया, अब इसकी अटैचमेंट देखनी है। इसकी अटैचमेंट वहाँ पे सामने है क्या, ये तो इसकी क्या पड़ा हुआ है, ये इधर तो कुछ नहीं है। अटैचमेंट भी इसकी होगी यहाँ पे कहीं पे, देखी तो थी मैंने अटैचमेंट इसकी, इधर तो यहाँ पे तो नहीं है। तो ये रही हार्वेस्टर की अटैचमेंट, ये इस ट्रेलर पर लोड हो रखी है, और एक काम करता हूँ इस वाले ट्रैक्टर से वहीं ले चलता हूँ इसको, ये ट्रेलर जो है अटैच हो जाएगा इससे। इसे यहीं पार्क कर देता हूँ, यहीं से अटैचमेंट लगा लूँगा इसमें, हार्वेस्टर को उधर लेके आना पड़ेगा अटैचमेंट लगाने के लिए। ये खेत भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उधर तक जा रहा है, तो देखना पड़ेगा अभी कहाँ से किस साइड से लगाना स्टार्ट करना है। मैं तो यहाँ से रास्ता बना हुआ है, इधर से स्टार्ट कर देता हूँ उसको हार्वेस्ट करना ना, यहाँ से सीधा सामने की तरफ। हो गई है हार्वेस्टिंग शुरू, और इसके पीछे जो स्ट्रो निकल रहा है ना, वो स्ट्रो ये फैला रहा है, फैले देते हैं, वैसे अभी स्ट्रो की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो इसको स्ट्रो को मैं जो है ना एक लाइन भी बना सकता हूँ, मतलब इकट्ठा एक जगह पर ही डाले, जिससे मैं बाद में स्ट्रो बेस बना सकता हूँ, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले वर्कर को डिसमिस करके, तो पीछे ये स्ट्रो इस मैंने जो है अनेबल कर दिया है, और अब ये पीछे जो है एक लाइन से स्ट्रो बनाएगा पूरा। हाँ ये देखो ये स्ट्रो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो एक काम करता हूँ उसको बन देता हूँ, क्योंकि इस स्ट्रो के लिए मशीन आती है बेल्स बनाने वाली, तो इस स्ट्रो से जो है बेल्स बना लेंगे, उसके बाद काउस को वहाँ पर डाल दूँगा, वो काउस से काम आती है, काउस के बाद में नीचे डालने के लिए, तो ये भी काम आ जाएगी। इसको बनने देते हैं, और उसको बोलते हैं स्ट्रो स्वैथ, तो स्ट्रो स्वैत की ये एक लाइन ही बन जाती है, मतलब स्ट्रो एक जगह इकट्ठा हो गया, ये मेनली भूसा है जो इकट्ठा हो रहा है। अब इसको जो है बाद में कलेक्ट करेंगे, इतने अभी इस वर्कर को हम काम कर देते हैं। अभी मेरे को एक ट्रैक्टर लेके आना है और एक ट्रॉली लेके आनी है, ट्रॉली भी शायद यहीं पे पार्क है।
ये कर रहा है इतने काम, वर्कर यहाँ साइन कर दिया है मैंने, इतने में ट्रॉली और टैटर ले आता हूँ क्योंकि ये जल्दी से भर जाएगा और फिर मेरे को खाली करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे काफ़ी सारा स्ट्रॉ एक जगह इकट्ठा हो गया है, तो ये स्ट्रॉ तो मैं सारा सारा यूज़ में ले लूँगा। ये मैं काउ तो परचेज कर ही रहा हूँ तो उसमें काम में आ जाएगी। तो ये ट्रॉली दूसरे वाले गैराज में पार्क है, यहाँ पे ट्रैक्टर ये वाला है, बस इसको अटैच कर लिया। अब एक काम करता हूँ, मैं ना पहले काउस परचेज कर लेता हूँ क्योंकि अभी उस वाले खेत में हार्वेस्टर काम कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 5-10 मिनट लगेंगे उसको भरने में। इतने मैं काउस परचेज करके यहाँ पे काउस आ जाएंगी, एनिमल डीलर यहाँ सप्लाई कर देगा। तो ये काउस जो है, अब मैं छोटे वाली काउस लेने वाला हूँ सारी की सारी ना, ये जो 200 यूरो की मिल रही है ये वाली ठीक है। ये 1100 यूरो की तो पूरी बड़ी काउस है जिनकी एज जो है 12 मंथ्स की है, और ये वाली अभी न्यू बॉर्न ही है, 0 मंथ्स की है, इसलिए सस्ती मिल रही है 200 यूरो की। तो मैं 200 यूरो वाली ले रहा हूँ, और अभी 150 यहाँ पे काउस की कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी तो काफ़ी बड़ी है, पहले वाला जो था वो जो हमने लगाया था उसकी 80 की कैपेसिटी है वहाँ पे, और इसकी 150 की है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बड़े वाला है। तो अभी क्या करते हैं, अभी ये वाली ब्राउन स्विच कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं, तो 50 ब्राउन स्विच हो गई। ये बाइक कर लेता हूँ, कितनी की आएगी, 12,500 यूरो की आएगी, और अभी बैलेंस है 50,000 यूरो, ठीक है ये कर लेते हैं। और ये होल्स्टीन वाली कर लेता हूँ 50, ये भी 12,500 की आएंगी। अभी 25,000 यूरो बैलेंस बचा है और 100 काउस होगी, तो 100 काउस काफ़ी हैं अभी के लिए, 50 की कैपेसिटी छोड़ देते हैं, बाद में ले लेंगे। काउस अपनी आ चुकी हैं यहाँ सामने, ये री काउ और बाकी काउ का है, ये काफ़ी सारी काउस यहाँ पे, एरिया ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये पूरा का पूरा काउ बांध का एरिया है ये, इसीलिए यहाँ पे 150 की कैपेसिटी है। तो पहले वाले में तो इतना एरिया नहीं है, वहाँ पे तो जो बांध लगाया उसी की बाउंड्री के अंदर ही काउस घूम सकते हैं, और यहाँ पे तो पूरे के पूरा खेत दिया हुआ है घूमने के लिए। और इधर यहाँ पे भी काउस घूम रही है, तो मैं भी एक काम कर सकता हूँ, अभी तो बैलेंस कम है वैसे, 25,000 यूरो है, बट इसमें 5 लाख की लोन लिमिट भी है जो मैं अभी ले सकता हूँ और बाद में इंटरेस्ट के साथ वापस चुका सकता हूँ। तो अगर अभी जरूरत पड़ेगी और एनिमल्स लेने के लिए तो मैं थोड़ा सा उसमें से लोन अमाउंट ले लूँगा, वो इजीली मिल जाता है, वो यहीं पर ऑप्शन आती है, ये रही यहाँ पे, और ये बोरो करने की ऑप्शन आ रही है, और ये 5 लाख तक की मैक्स लिमिट होती है। अभी मैंने कुछ भी बोरो नहीं कर रखा, तो अभी मेरा नॉर्मल बैलेंस है और ये लोन में यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो अभी ये भी कर लेंगे, 1 लाख यूरो के आसपास बोरो कर लूँगा, उसमें पिक्स भी आ जाएंगे और शिप्स भी आ जाएंगे। और वैसे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे काउस के लिए घूमने के लिए काफ़ी सारा स्पेस बचेगा। जो पहले वाला फार्म है उस पर 80 काउस हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड लगने लग गया है क्योंकि उसमें इसके मुकाबले स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, ये वाला अच्छा है इस मामले में। अभी पहले ट्रॉली को लेके चलूँ, और ये ट्रॉली भी सही वाली दी है इसमें, तो इसमें पहले ही थोड़ी अच्छे वाली ट्रॉली मिल गया है। काउस काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, पहले काफ़ी ज़्यादा खाली खाली लग रहा था, अब सही लग रहा है। और अभी तो जो है शीप वाला भी जब अब पूरा भर जाएगा और वहाँ पे जो है हॉर्स वाला भी पूरा भर जाएगा तब लगेगा बिल्कुल प्रॉपर एकदम सही। और वैसे यहाँ से अपने खेत में एंट्री तो है ही, तो हार्वेस्टर फुल भी हो गया। इस हार्वेस्टर की कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, इसमें बार बार जो है इसको अनलोड करना पड़ता है। ये बस इसके नीचे में को लगाना है, और सॉरी ट्रॉली में ये वीट आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये मेरे को लग नहीं रहा, ये वीट वाली ट्रॉली है। हाँ आ तो रहे हैं, जो लग रहा था कि ये वीट वाली ट्रॉली नहीं है, क्योंकि ऐसे दूसरी ट्रॉली भी आते हैं जिसमें पटैटो वगैरह खाली आ पाते हैं, वीट नहीं आ पाता, बट ये वाली ट्रॉली नॉर्मल ट्रॉली है, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। और इस ट्रॉली की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, जो पहले वाले फार्म पे ट्रॉली मिली थी पहले से उसकी 8,000 लीटर थी, इसकी 10,500 लीटर है। और अभी साइलो तो यहीं पर ही है इस साइड ही, साइलो में इसको अनलोड कर देते हैं, साइलो ये रहा यहाँ पे, और ये वाले साइलो का मेरे को अनलोड का देखना पड़ेगा, अनलोड का कहाँ पे है इसका। तो ये साइलो तो यहाँ पे है बट इसका अनलोड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो साइलो तो यहाँ पे है बट इसका अनलोड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसका अनलोड का ऑप्शन शायद गेट के पास होगा, एक बार गेट के पास लेके चलता हूँ। मैंने देखा था ये यहाँ पे तो खाली जो है ऑप्शन इसी की है, हाँ इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो फिर साइलो की ऑप्शन कहाँ पे, एक मिनट उतर के देखना पड़ेगा, साइलो तो यहीं पर ही है इस साइड कहीं पर, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, बाहर की साइड होगी शायद ऑप्शन, बाहर की साइड देख के आऊँ एक बार, इस साइड भी नहीं है। और ये इधर कैमरा लगा हुआ है, सिक्योरिटी कैमरा तो काफ़ी सही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ अभी एक कैमरा के लिए, ठीक है कैमरा तो अच्छा लगा रखा है, इसको ओपन कर लेते हैं इस वाले को, ये रहा, ओ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो साइलो के लिए जगह यहाँ पे दे रखी है, और जब साइलो से मुझे लेना होगा वो बाहर से दे रखा है, तो यहाँ से ट्रॉली पूरी रिवर्स करके ले आऊँगा इसके ऊपर। तो ये तो यहाँ फर्टिलाइज़र में ही लेने के लिए है, फर्टिलाइज़र मैं यहाँ से ले सकता हूँ, बट इसको फिल करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है, इसको देख लेते हैं। ओके, तो इसमें 40,000 लीटर आ सकता है और ये यहाँ से फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इसकी मुझे देने पड़ेंगे 52,800 यूरो। नहीं, अभी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं काउ की सैलरी से काम चला लूँगा फर्टिलाइज़र के लिए ना।
अभी पहले तो इसको मैं अनलोड करके साइलो में रख दूँ। सेल नहीं कर रहा मैं, सेल बाद में करूँगा। गेहूँ को सेल कर इकट्ठा करेंगे, अभी काफ़ी सारा गेहूँ निकलेगा, इतने सारे खेत हैं उनमें इतना सारा गेहूँ निकलने वाला है, तो अभी तो स्टोर करते रहते हैं, उसके बाद फिर जो है इकट्ठा सेल करके आ जाऊँगा। ट्रॉली के साथ रिवर्स करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब इसको जो है नॉर्मल अगर ट्रेलर वगैरह वैसा होता, मतलब ट्रक होता तो ज़्यादा ईजी रहता, ट्रॉली में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अब बस ये आ गया सही पोजीशन पे, यहाँ पे इसको कर देते हैं अनलोड। अनलोड तो जल्दी हो जाएगा, अनलोड तो हो भी गया ऑलमोस्ट आधा। अनलोड होने में इतना टाइम लगता है, फटाफट ट्रॉली को जो है लिफ्ट ही तो करना होता है हाइड्रोलिक से, और जो है पीछे डाल देना होता है। अब ये अनलोड हो गया तो मैं यहाँ पे इस साइड आ ही गया हूँ, तो सामने ही अपना शीप फार्म भी है, इसको देख लेते हैं। ये शीप फार्म है उधर की साइड, तो उसको ही परचेज़ कर लेता हूँ। अभी इतने हार्वेस्टर दोबारा फेल होगा, इतने मैं शीप्स ही परचेज़ कर लूँगा यहाँ पे, और शीप्स परचेज़ करने की ऑप्शन आ रही है इधर से, तो ये यहाँ से शीप्स परचेस करने की ऑप्शन आ रही है, और शीप्स में छोटे वाली ही परचेस करने वाला हूँ। इसकी कैपेसिटी 200 की है। यहाँ पे सारे के सारे बांध कुछ ज़्यादा बड़े हैं, मतलब कैपेसिटी कुछ ज़्यादा ही है, जितनी दूसरे फार्म पे मैक्सिमम थी उससे भी ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसका क्या करते हैं, ये 50 शीप पे कोर्स करेंगे कितना, 11,500, ठीक है अभी 11,500 की ले लेते हैं, या 100 कर दूँ पूरी, 50 ये कर लेते हैं और 50 कर लेते हैं दूसरे वाली, 50 ये ब्लैक वाली कर लेते हैं, ब्लैक ब्राउन ये वाली, एक तो प्योर ब्लैक है और एक ये ब्लैक ब्राउन है, स्विस ब्लैक ब्राउन 50 ले लेते हैं, और अभी बैलेंस इसके बाद कम पड़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये 11,500 मैंने खर्च किए, उसके बाद 2,262 यूरो ही बचे हैं। 100 शीप्स आ चुकी हैं, ये तो मैं भी कोई बात नहीं बोरो कर लूँगा अमाउंट। शीप्स यहाँ पे 100 हैं, ये और इस तो आते ही बैठ गई, सही लग रही है वैसे देखने में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब हॉर्स रहते हैं और पिग्स रहते हैं, तो हॉर्स और पिग्स और परचेस करने, और अभी तो उनका खाना भी ला के डालना पड़ेगा, खाना तो मैं भूल ही गया था, यहाँ पे खाना भी तो लाके डालना है मेरे को इनका। तो एक काम करता हूँ, हॉर्स और पिग बाद में परचेस करूँगा, पहले खाना डाल दूँ, इनको तो खाना दे दूँ पहले। अभी इसका जो है हार्वेस्टर का पूरा फुल भी हो गया, और एकदम से शाम भी हो गई यहाँ पे, एकदम से मौसम भी ख़राब टाइप का हो गया, ऐसे बारिश होने वाली हो। इसको खाली कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जितना ये गेहूँ निकल जाए उतना बेटर है। अगर बारिश हो गई तो यहाँ पर काम नहीं हो पाएगा, वो मेरे को लग रहा है, वैसे बारिश का मौसम हो गया है हल्का हल्का। इसको पहले अनलोड कर देता हूँ, और उसके बाद एक बार चलते हैं शॉप पे, और शॉप से जो है अपनी शीप्स के लिए और काउस के लिए फूड लेके आता हूँ, जो भी फूड मिल जाएगा। अभी वैसे काउस के लिए तो TMR वगैरह चाहिए होता है, बट अभी फ़िलहाल देखते हैं, फिलहाल ऐसे घास डाल सकते हैं। तो ये इतने अनलोड हो रहे, इतने मैं मैप देख लूँ शॉप है कहाँ पर, भी तो मैंने शॉप देखी भी नहीं है, मैं एक बार भी विजिट नहीं किया है शॉप पर। ये तो एनिमल डीलर है यहाँ पर, और शॉप शायद यहाँ पर है, नहीं ये बायोगैस प्लांट लगा हुआ है, और शॉप यहाँ पर है इधर की साइड है। तो अभी ये जो हार्वेस्टर चल रहा है, मतलब अपने दोनों के दोनों जो गैराज हैं इनके बीच से जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल सीधा जाएगा शॉप के पास तक। तो अभी एक काम करता हूँ, ये वाला ट्रैक्टर लेके चलता हूँ, इस ट्रॉली को यहीं छोड़ देता हूँ, तो ट्रॉली को साथ में ले ही चलता हूँ, इसमें कुछ ना कुछ ले आएंगे पीछे वहाँ से। तो रास्ता बिल्कुल सीधा है यहाँ से, बस इस वाले रास्ते से मुड़ना है, और ये रास्ता सीधा जाएगा शॉप पर। ये लेफ्ट में अपना हार्वेस्टर काम कर रहा है, और ये रास्ता तो वैसे काफ़ी छोटा है, बट ठीक है दोनों साइड जो है घास है, इतना कोई इशू है नहीं, वैसे रास्ता काफ़ी ज़्यादा सही है। सामने वैसे माउंटेन भी हैं छोटे छोटे, ये रास्ता ऐसा ऊंचा नीचे, अभी ट्रैक्टर ऊंचे पे गया और अब नीचे पे जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी के घर का रास्ता जा रहा है अलग से, हाँ किसी का घर है वहाँ पे सामने। और अभी रात ऑलमोस्ट होने ही वाली है, 7 बज गए हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, बट उससे पहले मैं शॉप से जो है फूड तो ले ही आऊँगा। यहाँ पे कहीं पे है शॉप, ये तो काफ़ी सही लग रही है देखने में, इधर से अंदर रास्ता जाने के लिए और सामने से रास्ता शायद जाने के लिए। हाँ यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी शॉप है ये, और सामने एक ट्रक भी खड़ा हुआ है डिलीवरी वाला, ये JCB Case 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, फार्म मशीनरी, ओके। तो ये तो काफ़ी सही जगह है, और यहाँ पर भी मास्क का बोर्ड लगा रखा है, और ये ट्रक यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये ट्रक काफ़ी सही लग रहा है, ये वाला ट्रक मिल जाएगा तो सही लग रहा है, ये ट्रक थोड़ा नया सा है। तो पीछे वहाँ पे शायद मेरे को दिख रहा है ग्रेन वगैरह सेल करने का भी है, तो ग्रेन सेल करने का भी यहीं पे है, तो ये ऑप्शन तो काफ़ी ठीक है। और ये कैबिन लगा हुआ है किसी का, यहाँ AC चल रहा है, मैं तो पहले यहाँ परचेज़ कर लूँ, ये कस्टमाइजेशन का इधर, और इधर से परचेज़ कर लेते हैं। तो शीप्स को ग्रास चाहिए और हे चाहिए, और काउ को चाहिए ग्रास, हे, साइलेज या फिर TMR। तो जो अपने पुराने फार्म पे काउ बान है उसमें तो फीडिंग रोबोट लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली TMR बना लेता है, बाकी इस वाले काउ बान में देखना पड़ेगा कि मुझे TMR खुद बना के सप्लाई करना पड़ेगा या फिर वहाँ पे रोबोट है जो अपने आप तैयार कर लेगा। तो भी ये 5 ले लेता हूँ या फिर राउंड वाली लूँ।
तो ये वाली ले लेते हैं, ये 5 ले लेता हूँ मैं, ये 5 ले ली, ये काफ़ी होंगी अभी दोनों एनिमल्स के लिए। हो अभी बैलेंस कम है, मेरे को बैलेंस भी तो बोरो करना पड़ेगा अभी, एक मिनट बैलेंस भी बोरो कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे अभी कितना, 1 लाख कर लेता हूँ, तो 1,05,000 यूरो कर लिए हैं और 1,07,000 बैलेंस हो गया। ये हो गई 5 बाय आ गए। बाकी इन्हें ले जाने के लिए मेरे को बेल लोडर लेना पड़ेगा, जो बेल लोडर पीछे आता है, जो ट्रैक्टर में पीछे अटैच हो जाता है, जिसमें मैं बेल लोड कर सकता हूँ। और वो बेल लोडर, और ये रहा बेल लोडर, और ये वाला बेल लोडर मैंने यूज़ किया है, ये अपने पुराने वाले फार्म पे है, इसमें 24 आ जाती हैं एक साथ। अभी तो मैंने 5 ही लिए हैं, तो ईजिली आ जाएंगी। और अब मैं लीज़ पर नहीं लेने वाला कुछ भी, क्योंकि पहले वाले फार्म पर मैंने देख लिया लीज़ पर लेने पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, काफ़ी ज़्यादा बिल आता है, तो ये तो कंटिन्यूस चाहिए ही होगा, इसको परचेज ही कर लेते हैं। ये परचेज़ कर लिया, अब बस ट्रैक्टर मैं लेके आया हूँ, इसकी ट्रॉली को छोड़ दूंगा, इसकी ट्रॉली को बाद में के ले जाऊंगा। तो फिलहाल इस ट्रैक्टर से इस वाली ट्रॉली को हटा के और ये दूसरा जो बेल लोडर खड़ा हुआ है इसको अटैच कर लेता हूँ। तो इसको आगे से घुमा के लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसका ना ये यहाँ पे ये खुल जाता है साइड का, और इससे ये पिक करेगा। तो इधर से थोड़ा सा, इधर की साइड जगह तो है वैसे, निकल जाएगा ट्रैक्टर, थोड़ा सा ट्रॉली को धक्का मार देते हैं, हाँ निकल जाएगा इधर से। अब इसने पिक कर लिया, अपने आप ये लोड कर लेगा इसको ऑटोमेटिकली। ये हो गए लोड, अब ये साइड का जो आम निकला हुआ है इसको मैं बंद कर लूँ बस, ठीक है। अब लेके चलते हैं, 5 काफ़ी है, अभी पहले डाल के देख लूँ वहाँ पे कि वहाँ पे फूड का हिसाब किताब क्या है, उसके बाद यहाँ पे इकट्ठा आके 24 ले जाऊँगा, 24 आ जाएंगे इसके अंदर। तो अभी तो खाली हेल ही है, उसका मुझे स्ट्रॉ भी लेना पड़ेगा और साइलेज भी लेनी पड़ेगी काउस को डालने के लिए। अभी फ़िलहाल तो मैं इसे लेके चलूँ, बेसिक कुछ फूड्स तो दे ही दें शीप्स को और काउस को। तो काउस का बांध तो इस साइड है, इधर काउस के बांध में जाना पड़ेगा। और ये पीछे बेल लोडर लगने के बाद थोड़ा सा जो है ट्रैक्टर कम मुड़ रहा है, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है मुड़ने में ट्रैक्टर को, इतना हैवी तो नहीं है ये ट्रैक्टर, वैसे शायद छोटा है इस बेल लोडर के हिसाब से ना, बेल लोडर में थोड़ा वेट होगा। तो यहाँ पे ठीक है, इधर की साइड अनलोड करता हूँ, और इसने खुद लेनी भी शुरू कर दी है, नहीं ली अभी, कुछ मैं अनलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये 5 अनलोड कर दिए, और मैं देख लेता हूँ यहाँ पे फीडिंग रोबोट है या नहीं है। और ये वैसे अनलोड होके एक तो उठा लूँ यहाँ से, एक तो मेरे को शीप्स के लिए चाहिए, 2 निकाल लेता हूँ, तो एक शीप्स के लिए काफ़ी होगी। इसको तो उठा के यहीं काउ बान में डाल देते हैं, ये यहाँ से चला जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ गया काउस के लिए, तो अब काउस के लिए यहाँ पर फूड आ गया है, 18,069 लीटर फूड आ चुका है, और एक ही बचा है, ये अभी शीप्स के लिए लेके चलूँगा। और वैसे मेरे को फीडिंग रोबोट दिख नहीं रहा है यहाँ पर ना, यहाँ पर खाली मिल्क का है और मिल्किंग रोबोट तो है, ये मिल्क रोबोट तो है जो ऑटोमेटिकली मिल्क निकाल लेगा, और उसके अलावा फीडिंग रोबोट तो कहीं नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को TMR खुद बना के डालना पड़ेगा, तो इसमें ये वाला इश्यू है, इसमें TMR मिक्सर भी लेना पड़ेगा मेरे को, जो मैंने पहले लिया था लीज पे दूसरे वाले फार्म पे, वही सेम टू सेम TMR मिक्सर लाना पड़ेगा और यहाँ पे TMR बनाना पड़ेगा। तो TMR होता है टोटल मिक्स रेशन, उसमें हे साइलेज और स्ट्रो का जो है एक रेशियो में मिलाया जाता है, और उसमें जो है मिनरल फीड भी डाला जाता है, और वो काउस के लिए एक प्रॉपर फूड बनाया जाता है। तो वो बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे मिक्सर ला के तब डालना पड़ेगा। अभी फिलहाल काउस ग्रास भी खा लेती हैं, कुछ भी खा सकती हैं, बस प्रोडक्टिविटी का चेंज हो जाता है कि जो है TMR से प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, मतलब काउस अच्छे से ग्रो होती हैं और अच्छे से मिल्क देती हैं। और ये आ गई यहाँ पे खाना खाने के लिए, और नीचे वैसे कुछ गीला भी हो रखा है अभी ना ये सारा एक सारा, तो यहाँ पे स्ट्रो ला के डाल दूंगा, जो भी खेतों में से निकला है वो स्ट्रो ला के यहाँ पे सारे में बिछा देंगे नीचे, तो नीचे काउस के बैठने के लिए ठीक हो जाएगा। और अभी अंधेरा पूरा होने वाला है, तो एक काम करता हूँ, इसको तो मैं उठा के ले चलता हूँ, शीप बांध तो सामने ही है, एक शीप्स को डालना है ये, अभी ये इतना भारी है गिरे जा रहा है, थोड़ा सा तो लुढ़क के चला जाएगा वहाँ तक, अरे चला जा, लुढ़क तो रहा है पर ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इसको ऐसे करके यहाँ से छोड़ देता हूँ, यहाँ से चला जाएगा नीचे की तरफ, चल जा फटाफट रोल होते हुए, ये आराम से रोल रहा है, इससे बेटर मैं उठा के ले चलता हूँ इसको। और ये शीप सामने से भाग के आ रही है घास को देख के, वैसे इतनी सारी घास इनके लिए नीचे तो है, ये यहाँ से भी खा सकते हैं, पर पता नहीं यहाँ से खाएंगी नहीं खाएंगी, देखना पड़ेगा। और क्या है अभी 100 शीप हैं, इसलिए रिस्क भी नहीं ले सकता, थोड़ा खाना तो डालना ही पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि अगले दिन तक इतने मैं पूरा इनका खाने का इंतजाम करूँ, इतने शीप ये भूखे ही रहें। यहाँ पे डाल देते हैं बस, अब तो आ जाएगा इसके अंदर, आ गया, ये तो पूरा फुल हो गया और ये एक्स्ट्रा भी है। तो शीप्स काफ़ी कम खाते हैं, काउस काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, आ गई भाग के, भूखी थी। सही किया मैंने इनको लाकर डाल दिया, ये घास मतलब खा नहीं रही थी, यहाँ पे खाना खाने ही आई है,
इनको भूख लगी थी, इन्होंने घास नहीं खाई, तो अभी तो रात हो गई, रात को काम होगा नहीं, मैं एक बार अपनी गाड़ी ले आऊँ और घर की तरफ चलता हूँ। ये रही अपनी गाड़ी और वहाँ पे वर्कर भी छोड़ के चला गया, वो हार्वेस्टर खड़ा हुआ है वहाँ पे क्योंकि रात हो गई है, वर्कर भी अपने घर चला गया है। तो यहाँ से इस गाड़ी को निकाल के मैं भी चलता हूँ एक बार घर की तरफ। और अभी ये गेट भी तो लगाना पड़ेगा, एक मिनट रुको, पहले गेट लगा दूँ मैं, गेट ये वाला बंद कर देते हैं क्योंकि अंदर अपना काफ़ी सारा सामान पार्क हो रखा है। और मैंने अभी इधर के शटर भी ओपन छोड़ दिए, ये शटर भी तो नीचे कर दूँ। चलो ये भी हो गया, ये काफ़ी बड़े बड़े शटर हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊँचे हैं। अब चलता हूँ घर की तरफ। अभी गाड़ी की लाइट्स की टेस्टिंग भी जाएगी कि इसकी लाइट्स कितनी पावरफुल हैं। ये इसमें आगे एलईडी वाली हैं, ओ ये वाली सही है, ये नॉर्मल तो जो है इसमें डीआरएल है। और फिर ये वाली लाइट की छोटी वाली ऑन करी, ये बड़े वाली ऑन हो गई, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा लगवाई हैं अलग से ये वाली ऑन हो गई, इससे तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया, पूरी रोशनी एकदम आगे हो गई है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग की जा सकती है इससे। पीछे की लाइट भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, हाँ मेरे को सही लग रही है लाइट तो ये। और अगर ये एक्स्ट्रा वाली जो कस्टम वाली लगा रखी है ये बंद कर दूँ तो नॉर्मल है अभी, जैसे ये नॉर्मल वाली लाइट है, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा लगवाई है अलग से ये वाली जब ऑन हो गई तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो गई एकदम से। और अंदर की लाइटें भी हैं, अंदर की लाइट कैसी है, अंदर की भी बीच में लाइट लगी हुई है एक। और ये क्या है, इसमें एक ग्लास तोड़ने के लिए रखा हुआ है, इन केस ऑफ इमरजेंसी ये ग्लास तोड़ने के काम आता है बाहर निकलने के लिए। चलो इधर से रास्ता है अपना जाने का, और शीप वगैरह यहाँ पे आराम से घूम रही है। बाकी इनके खाने वगैरह का प्रॉपर इंतजाम करूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा बार है, और अभी हॉर्स भी लेके आने हैं, उसके बाद पिग भी लेके आने हैं। तो अभी पहले जो एनिमल्स लिए हैं उनका प्रॉपर इंतजाम करूँगा, उसके बाद जाके दूसरे एनिमल्स लेके आऊँगा। अब फिलहाल गाड़ी की पार्किंग करनी है, तो इस गाड़ी को मैं थोड़ा घुमा के लगाता हूँ आज ना, हाँ ऐसे ठीक है। अब इसको रिवर्स में लेके चलते हैं, और लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, एक लाइट बंद कर लूँ, हाँ अब ठीक है। बस यहाँ पार्क कर दी, सही से पार्क हो गया इसके साथ। और अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं अभी जाके अंदर सोता हूँ क्योंकि अब कल काफ़ी सारा काम करना है, हॉर्स भी लेके आने हैं, पिक्स भी लेके आने हैं, और पूरे खेत सारे के सारे हार्वेस्ट करने हैं, और नई वहाँ पे क्रॉप लगानी है। और नई क्रॉप के लिए कमेंट करके बताना कि नई क्रॉप कौन सी लगाएं, वैसे शुगर केन भी लगा चुके हैं, पोटैटो भी लगा चुका हूँ, अब इसके अलावा बताओ कौन सी क्रॉप लगाएं, तो कमेंट करके बता देना कौन सी क्रॉप नेक्स्ट लगानी है। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।